Okay, so now we are going to see a relation between surface energy and surface tension. हम लोगों ने देखा, but अभी हम उसका relation देखेंगे. Relation between surface tension and surface energy. Clear? तो पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक rectangular frame लिया, एक frame लिया. एक फ्रेम लिया जो पी P डैश और S, S S डैश, ये पूरा एक फ्रेम है. और यहां पर हमने क्या किया, एक लकड़ी लगाया, some kind of barrier, जो जो अंदर बाहर हो सकता है, अंदर जा सकता है, बाहर जा सकता है. ठीक है, इट्स ए मूवेबल आर्म. क्या है, एक मूवेबल आर्म. यस और नो? द फ्रेम इज डिप्ड इन द सोप सॉल्यूशन. हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डाला. तुमने छोटे जब थे याद है, एक मेले में जब जाते थे, एक सोप सॉल्यूशन रहता था, हम लोगों ने क्या ऐसा एक डाल के ऐसे बबल निकालते थे, याद है? याद है कि yes, तो उसमें क्या हो जाता, बहुत सारे बबल से निकलते थे. वैसे अगर सोप सॉल्यूशन में डालेंगे तो उसके ऊपर एक बबल जैसा फॉर्म हो जाएगा, इसके ऊपर एक बबल जैसा. ये सर नो? सो आफ्टर द फ्रेम इज डिप्ड, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये बबल हो जाएगा. अगर ये फ्रेम को हम बड़ा करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, ये खींचेगा. सिमिलरली जब बबल ऐसा लगता है छोटा रहता है, जब हम इसको फूंक मारते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे बबल क्या पतला हो जाता है और बड़ा होता है. ये सुन लो, अगर तुम ज्यादा हवा भरोगे तो क्या हो जाता है, बबल टूट जाता है. ये सुन लो, बड़ा बड़ा के फूटता है. सिमिलरली जब मेरा ये मूवेबल आर्म है, मैं इसको बड़ा करूंगा, ये साइड लूंगा, तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बबल क्या हो जाएगा, खींचेगा. इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, इट विल एक्सपीरियंस ए इनवर्ड फोर्स. यस और नो? यस और नो? क्यों? क्योंकि यहां पर सरफेस टेंशन है. तो तुमको पता है कि सरफेस टेंशन जो है एक फोर्स अंदर की तरह होता है. यस और नो? यस सर. ईच आर्म ऑफ दिस फ्रेम विल एक्सपीरियंस ए इनवर्ड फोर्स ड्यू टू द फिल्म. Under why? Because of what? Because of what type of forces? Rishabh, what type of force? Rishabh, what type of force? Hello, sir. What type of force? What force is acting? In what force? But the concept force hai. Swarup, what force? In what force? Swarup. Swarup, what force? क्या हो गया गाइस, पढ़ाई कर रहे हो या कुछ नहीं, मतलब ऐसे ही कहानी सुन रहे हो? मैंने बोला ना, इनवर्ड फोर्स है. इनवर्ड फोर्स क्या टाइप ऑफ फोर्स है? कोहेसिव फोर्स. क्या फोर्स? क्या फोर्स? हेलो, मेरा आवाज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर. क्या फोर्स है मैं पूछ रहा हूं. अरे बोला ना अभी, कोहेसिव फोर्स. सर कोहेसिव फोर्स. तो इतना बोलने में क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? सर माइक अटक रहा है मेरा, आवाज ही नहीं आ रहा. ओके, सो क्या होता है, अंडर दिस एक्शन The movable arm QR moves towards PS. Moves towards PS. क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन है. वो उसको एक बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स ये इसको खींचता है. Yes or no? हाँ? क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन उसका बढ़ेगा. तो बढ़ेगा तो सरफेस एरिया बढ़ेगा, क्योंकि उसको मिनिमाइज रखना है. तो ये क्या करेगा, एरिया कम करना चाहेगा. Yes or no? Yes or no? So,
व्हाट इज द टेंस, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट इज द, ये एफ क्या है, यार एफ है टी बाय व्हाट, टी इनटू लेंथ, यस और नो, यस और नो। तो ये अगर एल है तो ये साइड भी एल है, अपोजिट साइड भी एल है, तो टोटल फोर्स क्या रहेगा, टू एल, क्यों, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी है नीचे की तरफ भी है, तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, डबल होगा, क्यों, ऊपर साइड में भी है नीचे साइड में भी है, तो इसीलिए F is equal to 2 into T into 2L. Is it clear? Is it clear? Yes, sir. क्योंकि दोनों साइड है, ऊपर का साइड है नीचे का साइड है, ऊपर में भी F equal to T into L, नीचे का साइड में भी क्या T into L, तो टोटल क्या हो जाएगा T into 2L. Clear? Clear? इमेजिन करो हम एक इक्वल फोर्स और ऑपोजिट फोर्स ये साइड में आर्म को खींचते हैं, विच इज इक्वल टू दिस एफ। इमेजिन करो एक एफ डैश करके एक फोर्स है जो ऑपोजिट साइड में, इसका ऑपोजिट में है बट इक्वल है, अप्लाई करते हैं, क्लियर, इज इट क्लियर, सो दैट ये जो आर्म है ये क्यूआर से लेके यहां तक आ जाता है, बट क्यों, क्योंकि हम इसको खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं, तो ये जो इतना जो ऑब्जेक्ट है इसको मैं साफ कर लेता हूं, लेट मी रीड्रॉ इट। हर्ष वेयर आर यू, हर्ष तो मैंने क्या किया, इसको एफ डैश फोर्स पे खींचा, तो ये जब खींचा ऑब्वियसली तुमको पता है कि हमको अगर इसको ऑपोजिट सरफेस टेंशन के ऑपोजिट में खींचेंगे तो हमको वर्क करना पड़ेगा, छोटा सा वर्क करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मैं इसको हल्का सा डीएक्स मूव करता हूँ, ये जो लेंथ है डीएक्स है, ठीक है, तो वर्क क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो छोटा डिस्टेंस मतलब छोटा वर्क, तो डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, F dash into dx, yes or no? Yes or no? Yes, sir. तो क्योंकि ये जो फोर्स है F dash है, ये opposite to F है, equal है, magnitude उसका same है, तो F कितना था? 2L into T था, तो F dash का value भी same होगा, क्यों? क्योंकि magnitude same है, तो मैं क्या बोलूँगा? dW equal to 2LT into dx. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. F का opposite में है, तो उसका जो magnitude same रहेगा, तो magnitude equality है, ठीक है ना? तो मुझे बताओ, ये एक rectangle बन गया कि नहीं बन गया? क्या बन गया? Rectangle बन गया? तो इसके area क्या हो जाएगा? Length into the breadth, मतलब L into dx. Yes or no? Area क्या बन जाएगा? L into dx बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? So this equal yes. to 2 yes, L that is equal to 2T into A. समझ में आया? समझ में आया? क्योंकि मुझे दो area निकालना है, मेरे को दो एरिया निकालना है, ये जो ए है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2L dx है, क्यों, क्योंकि मुझे दो साइड का एरिया, ये साइड का एरिया और नीचे का साइड का एरिया, तो ये होगा 2L dx, तो मैं क्या लिखूंगा, TA, तो मतलब जो वर्क डन है, जो dW बन गया, वो क्या बन गया, T into, क्योंकि छोटा है तो DA होगा, क्यों, क्योंकि जो एरिया ये छोटा एरिया है ना, तो 2 into DA, तो अभी क्या हो जाएगा, ये बन गया क्या, सरफेस एनर्जी, ये बन गया एरिया, तो मतलब सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू क्या, डीए। देखो फोर्स क्या था, टेंशन था क्या, टेंशन था एफ इनटू एल, एफ बाय एल, और एफ क्या था, टी इनटू एल, और
एनर्जी क्या बना, पी इंटू डी ए। समझ में आया, ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना। क्लियर क्लियर और नॉट? यस सर। व्हाट इज द रिलेशन एनर्जी एंड दिस थिंग? एक है फोर्स इक्वल टू टेंशन इनटू लेंथ, और दूसरा है सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू टेंशन इनटू व्हाट, एरिया। कौन सा एरिया? जितना एरिया वो जाएगा, पूरा एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया, जितना हम लोग खींचेंगे इसको यहां से लेके यहां तक, तो इतना छोटा सा एरिया, इसलिए हमको डी बोलते हैं, डीए बोलते हैं। क्लियर? ऋषभ, स्वरूप? यस सर। यस सर। हु एल्स इज देयर? हर्ष, Yes, sir. Why are you late? I asked you this question earlier. Why are you late? Sir, I will message you, sir, after the class, sir. I'll tell you. Calculate the work done in blowing a soap. To a problem karte hain, then we'll end the class. Calculate the work done in blowing a soap bubble to a radius of 1 centimeter. Okay? एक सोप बबल है, हम इसको 1 सेंटीमीटर रेडियस में ब्लो करते हैं, बड़ा हो जाएगा, ठीक है? तो 1 सेंटीमीटर डायमीटर क्या हो जाएगा? डायमीटर रहेगा 2 सेंटीमीटर। अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 10⁻²⁻ मीटर। यस और नो? यस और नो? ये फाइनल इनिशियली इनिशियल रेडियस क्या था? सोप बबल था नहीं, तो रेडियस जीरो था, तो डी भी जीरो था। इनिशियल जो ये फाइनल रेडियस है, फाइनल डायमीटर है, इनिशियल डायमीटर जीरो था क्योंकि बबल था ही नहीं, बबल छोटा सा था, बबल फूल के इतना बड़ा हो गया। ये सर नो? तो एरिया क्या होगा बताओ, इसका एरिया क्या होगा, क्या हो जाएगा? ये एक स्पीयर है, स्पीयर का एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, 4πr² सर नो? अरे यस और नो? यस सर। तो पूरा एरिया क्या होगा? डबल एरिया होगा। डबल एरिया मतलब तुम्हारा जो ये जो बबल है, ये साइड का एरिया, ये साइड का एरिया क्या हो जाएगा? 8πr² दोनों साइड में, दोनों साइड में स्क्वायर होता है ना, ये साइड में, ये साइड में, तो 2 × 8πr² ये तुम्हारा हो गया एरिया। टोटल एरिया कितना होगा? 8πr² होगा। क्लियर? तो मैं क्या बोलता हूँ, ये जो डीए क्या है, चेंज इन एरिया, पहले डायमीटर रेडियस जीरो था तो एरिया भी तो जीरो ही होगा ना, इनिशियल एरिया, और फाइनल एरिया कितना बना? 8πr², तो डीए कितना बना? फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, फाइनल एरिया कितना है? 8πr², इनिशियल एरिया जीरो है, तो डीए कितना हुआ? 8πr², इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? यस सर। आर का वैल्यू कितना है? आर का वैल्यू है ये वो डायमीटर, तो आर कितना होगा? आर होगा 1 सेंटीमीटर, मतलब 0.01। अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एरिया कितना बनेगा? एरिया बनेगा 8.00251 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया बन गया, किसका? बबल का फाइनल एरिया, चेंज इन एरिया, कितना बढ़ रहा है, पहले छोटा सा था अभी बड़ा बन गया, छोटे से बड़ा बन गया, कितना एरिया निकला, ये अपना एरिया निकल गया। अभी हमको एनर्जी वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन क्या है, मतलब वर्क डन मतलब सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी क्या है? डीए इनटू टेंशन। यस और नो? यस और नो? सरफेस टेंशन है क्वेश्चन में कितना? 2.5 × 10⁻²⁻ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो, 0.0025 × 2.5 × 10⁻²⁻, मल्टीप्लाई कर 2.2 × 10⁻⁵ एनर्जी जो है वो जूल में निकलता है। यस और नो? किस में निकलता है? यस सर, जूल में निकलता है। क्लियर ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्लास वी स्टार्ट विद एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट।
contact. Very, very important. Don't miss the class. Okay? Okay. Chalo. All the best. Bye. Bye, sir.